दोस्तों YouTube पे म्यूचुअल फंड कैलकुलेशन के ऊपर इतना डिटेल में वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा। ये वीडियो के अंदर आपको SIP वर्सेस लमसम का रिटर्न कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वो भी तीन फंडों के अंदर में और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर में। सारी चीज एक्सेल के जरिए हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसके ऊपर में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो में डिटेल में समझाना चाहूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर SIP और लमसम का रिटर्न हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो एक्सेल शीट में आप यहां पे देख सकते हैं, हम लोग दो सिनेरियो में बात करने वाले हैं। केस वन में हम लोग बात करेंगे कि एक साल के लिए अगर मेरे पास में 130,000 रुपए पड़े हैं तो मैं अगर उसको डायरेक्ट लमसम में इन्वेस्ट करता हूं तो यहां पर हम लोग जो म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं, सबसे पहले लेने वाले हैं मीरा एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर लार्ज कैप में 1 दिसंबर 2020 लास्ट साल में अगर 130,000 लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो आज उस टाइम पे एनएवी वैल्यू जो चल रही थी 62.65 रुपए चल रही थी। तो अगर यहां पे हम लोग देखेंगे कि 130,000 ये टाइम पे ये डेट पे अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते तो यहां पे मुझे टोटल कितने यूनिट अलॉटमेंट होते, तो सिंपल फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट आपने जितना किया है उसका डिवाइड बाय आपको एनएवी वैल्यू उस टाइम पे कितनी मिली है, तो आपको यहां पे मिल जाएगा टोटल अलॉटमेंट यूनिट का। तो यहां पे टोटल आपको इतने यूनिट अलॉट हुए, उसका क्यूमुलेटिव यूनिट्स आपके कितने हो गए, इतने ही हो गए, और यहां पे क्यूमुलेटिव वैल्यू आपको टोटल कितनी होगी, सेम वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस इनटू एनएवी वैल्यू। यहां पे 130,000 आपने इन्वेस्ट किए, आपको 2074 यूनिट्स आपको अलॉटमेंट हुए। आफ्टर ऑलमोस्ट 30 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर 13 महीने के बाद में 1 दिसंबर 2021 को मेरे ये टोटल म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी हुई है वो अगर चेक करनी है तो आपको सिंपल जो आपके टोटल यूनिट अलॉटमेंट्स है मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट 1 दिसंबर को एनएवी का क्या प्राइस चल रहा था। एनएवी का प्राइस था 84.26 रुपए, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 1,74,000 वैल्यू आपकी हो जाती है। मतलब आपने 1,30,000 इन्वेस्ट किए थे, आपको 1,74,000 रुपए यहां पे मिल जाएंगे ये डेट ऑलमोस्ट 13 महीने के बाद में। अब जब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, एसआईपी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे हम लोग यही 1,30,000 को हर महीने 10-10,000 करके इन्वेस्ट करेंगे 13 महीनों के लिए। तो यहां पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,30,000 है। 1 दिसंबर 2020 से अगर मैं इन्वेस्टमेंट चालू करता हूं तो टोटल यूनिट मुझे जो मिलेंगे, सेम फॉर्मूला है, मंथली आपको टोटल यूनिट मिलेंगे 10,000 रुपए के, तो यहां पे आपको 160 यूनिट मिले, इसी हिसाब से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां पे हर महीने का जो टोटल यूनिट अलॉटमेंट है वो आपको यहां पे दिखाएगा, और इसी के साथ में हमारे टोटल पूरे 13 महीने के यूनिट अलॉटमेंट हुए हैं 1720। इसके साथ में यहां पे क्यूमुलेटिव अलॉटमेंट्स देखते हैं, तो क्यूमुलेटिव अलॉटमेंट का एक इजी फॉर्मूला है कि जो लास्ट मंथ का आपका अलॉटमेंट है प्लस ये मंथ का जो अलॉटमेंट है तो टोटल आपको यहां पे मंथ एंड पे कितने यूनिट अलॉट हुए वो मिल जाएंगे। इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो एकदम लास्ट में आपको जो यूनिट मिलेंगे वो आपके क्यूमुलेटिव यूनिट से 1 दिसंबर 2021 के। इसके साथ में क्यूमुलेटिव वैल्यू, तो इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, आपके जो क्यूमुलेटिव यूनिट्स है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एनएवी प्राइस से, तो आपको यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो मंथ एंड पे आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। तो आप यहां पे अभी देख सकते हैं, सिंपली यहां पे कैलकुलेट हो गया कि अगर आप SIP में जाते हैं तो आपको 1,45,000 रुपए, आपके 1,30,000 जो है उसके 1,45,000 रुपए बन जाएंगे, और अगर आप लमसम करते हैं तो 1,30,000 रुपए के आपके 1,75,000 रुपए बन जाएंगे। चलिए तो हो गई एक म्यूचुअल फंड की बात। अब यहां पे हम लोग और दो सिनेरियो का एग्जांपल लेने वाले हैं, और यहां पे हम लोग लेंगे और दो म्यूचुअल फंड। यहां पे जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है SBI मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे 1,30,000 रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 1 नवंबर 2020 को, तो यहां पे आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,30,000 की 2,20,000। ये दोस्तों इतना डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि यहां पे जो एनएवी की प्राइस होती है इसके ऊपर सारी चीज डिपेंड होती है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एनएवी की जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख रही है, इसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहां पे डबल ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखेगा। और सेम केस अगर SIP इन्वेस्टमेंट में लेंगे तो 1 नवंबर 2020 से हम लोग 10-10,000 रुपए की SIP करेंगे, 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और क्यूमुलेटिव अमाउंट हमको 13 महीने के बाद जो मिलेगा 1,62,000 रुपए। मतलब कि 1,30,000 का 1,62,000 होगा SIP के अंदर, और लमसम अगर आप 1,30,000 करेंगे तो आपको 2,20,000 रुपए मिलेंगे। सिमिलर केस अगर हम लोग देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप, यहां पे तीनों टाइप के फंड हम लोग लिए हुए हैं। SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर में भी सेम सिनेरियो दिखता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे भी आप एनएवी की प्राइस देखेंगे ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आएगी। 13 महीने के लिए हम लोग 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लमसम में 2,20,000 हो जाएंगे हमारे 13 महीने के बाद, अगर पूरा अमाउंट एक साथ लमसम करते हैं तो। अगर उसी अमाउंट की SIP करते हैं 10-10,000 महीना, तो यहाँ पे 1,75,000 अमाउंट दिखता हुआ नजर आ रहा है। आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको SIP करनी चाहिए और SIP ही करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों लमसम नहीं करना चाहिए, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। बट हम लोग पहले अभी देख लेते हैं कि अगर यही इन्वेस्टमेंट लमसम वर्सेस SIP अगर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, 9 साल पकड़ते हैं हम लोग, 9 साल के लिए अगर मैं यही सेम टाइप का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो यहां पे क्या सिनेरियो बनने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल कैप फंड। तो यहां पे स्मॉल कैप फंड के अंदर भी हम लोग तीन सिनेरियो लेने वाले हैं। तो यहां पे मैं अभी 10,000 की SIP चालू करने वाला हूं,
1 मई 2013 से SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो मैं यहाँ पे ये 10,000 की SIP कंटिन्यू करने वाला हूँ 1 सितंबर 2021। इसके अंदर आपका कोविड का पीरियड भी आ जाता है। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है 10,30,000 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये 10,30,000 रुपए है उसको केस वन में जाते हैं और लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये 10,30,000 रुपए को मैं लमसम इन्वेस्ट करूंगा, बट मैं एक साथ नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं हर साल में इक्वल अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल, मेरे पास 10,30,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं और मुझे 9 साल के अंदर करने हैं। तो मुझे एवरी ईयर 1,14,444 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 10,30,000 रुपए हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिट अलॉटमेंट, सिंपल फॉर्मूला है दिस डिवाइड बाई एनएवी की प्राइस। आपको यूनिट अलॉटमेंट हो गया, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसके साथ में क्यूमुलेटिव यूनिट्स आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे ये मिलेगा और यहाँ पे दिस लास्ट ईयर का यूनिट, लास्ट मंथ का यूनिट प्लस आपको दिस मंथ का यूनिट। तो ये सीधा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसके साथ क्यूमुलेटिव वैल्यू आपकी कितनी आई, दिस इनटू आपका एनएवी का प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया था 10,30,000 रुपए, अगर मैं इसको 9 साल तक हर साल में 1,14,000 रुपए लमसम करता हूँ, छोटा छोटा लमसम करता हूँ, तो मेरा 9 साल के बाद में 1 सितंबर 2021 को जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31,26,000 रुपए। अब सिंपली यही 10,30,000 को एक साथ में मैं लमसम कर देता हूं 1 मई 2013 को और अभी मैं देखता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो लमसम में हमने यहां पे दो केस लिए हैं। तो ये जो दूसरा केस है यहां पे हम लोग सीधा इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,30,000 रुपए का, ठीक है दोस्तों। और टोटल यूनिट यहां पे अलॉटमेंट होंगे मुझे, क्योंकि मैं 2013 को कर रहा हूं तो 2013 का एनएवी रहेगा यहां पे, तो मुझे 78,689 यूनिट्स यहां पे मिलेंगे और मेरा क्यूमुलेटिव यूनिट्स भी यही रहेगा और क्यूमुलेटिव प्राइस भी मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है वही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि 1 सितंबर 2021 को एनएवी की प्राइस आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गई है। तो ये बेनिफिट यहां पे होता है लमसम के अंदर में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एसआईपी से ज्यादा पैसा ही बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर यहां पे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास टोटल यूनिट से 78,000 इनटू आपकी करंट एनएवी प्राइस है 105, तो आप यहां पे देख सकते हैं 83 लाख का कॉर्पस आपका बनता हुआ नजर आएगा अगर आप एक साथ में लमसम कर देंगे अपना अमाउंट को। और वही अगर यही अमाउंट 10,30,000 रुपए आप एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की 2013 से लेके 1 सितंबर 2021 तक, तो यहां पे देखेंगे क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। यूनिट अलॉटमेंट सिंपली है 10,000 डिवाइड बाय 13 रुपए, उस टाइम की जो एनएवी प्राइस चल रही है, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आगे। देन क्यूमुलेटिव अमाउंट यूनिट जो है ये प्लस आपको दिस और प्लस दिस करना है एंड देन टोटल वैल्यू जो है क्या बनती हुई नजर आएगी, क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है इनटू आपको करना है उसकी एनएवी प्राइस। तो यहां पे आपकी टोटल वैल्यू मंथ एंड के टाइम पे बनती हुई नजर आएगी। अब इसको पूरे को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, हमको सारा अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो टोटल वैल्यू बनती हुई नजर आ रही है वो है 28 लाख रुपए। तो यहां पे इस फर्क बहुत ही साफ है। अगर आप 10,30,000 रुपए की एसआईपी करेंगे और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, आपका 28 लाख का कॉर्पस बनेगा ऑलमोस्ट 9 साल के बाद में। अगर यही अमाउंट को आप 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर साल में एक छोटा सा अमाउंट लमसम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 31 लाख रुपए का कॉर्पस मिलेगा 9 साल के बाद। और यही अमाउंट अगर 2013 में एक साथ में इन्वेस्ट कर देंगे तो 9 साल के बाद में आपको मिलेगा 83 लाख का कॉर्पस। अब यही चीज हम लोग देखने वाले हैं मिड कैप और लार्ज कैप फंड के अंदर में। तो यहाँ पे एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड के अंदर अगर सिनेरियो देखे तो सेम चीज हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहां पे अगर एसआईपी करते हैं, अगर आप 10,000 रुपए की सेम अमाउंट की जो लास्ट टाइम पकड़ा हुआ था, तो 23 लाख रुपए आपके बनते हुए नजर आएंगे। और इसी को अगर आप ईयरली बेसिस पे अगर छोटा छोटा अमाउंट 1,13,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं 9 साल तक, तो आपकी 24 लाख ऑलमोस्ट सेम है एसआईपी और लमसम अगर करते हैं तो 24 लाख बनते हुए नजर आएंगे। और यही सेम अमाउंट अगर आप एक साथ में लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं 2013 के अंदर में, तो आपको यहां पे 45.5 लाख 45.5 लाख रुपए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा ही मिलता है मिड कैप के मुकाबले, ये भी यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब यही सेम चीज अगर हम लोग लार्ज कैप के अंदर देखें, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे अगर एसआईपी के जरिए हम लोग बात करते हैं तो एसआईपी कंटिन्यू उतना ही अमाउंट की 10,30,000 रुपए की करते हैं, 10,000 रुपए महीने 2013 से लेके 1 दिसंबर 2021 तक 23 लाख रुपए बनते हुए नजर आएंगे, आपका कॉर्पस बनेगा। और यही सेम चीज अगर आप हर साल छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे तो आपको 24 लाख रुपए बनेंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और अगर यही सेम चीज आप अगर एक साथ में 2013 में
एक साथ में लमसम में डालते हैं 10,40,000 रुपए, तो आपके टोटल 1 दिसंबर को बन जाते हैं 47.5 लाख रुपीज। तो यहां पे दोनों केस में आपने देखा कि लमसम में ज्यादा कॉर्पस वैल्यू दिखता हुआ नजर आता है एसआईपी से, लेकिन आपको इसके अंदर में जो छुपा हुआ राज है वो नजर नहीं आया। एसआईपी में क्या होता है दोस्तों, लमसम के अंदर आपका जो पूरा पैसा है, 100 रुपए अगर आपके पास पड़े आप पूरा का पूरा डाल देते हैं, मतलब कि वो 100 रुपए ब्लॉक हो गए, अभी वो 100 रुपए को आप यूज नहीं कर सकते कोई भी जगह पे। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है, एसआईपी में आप 100 रुपए का 10 रुपए ही डालते हैं, मतलब 90 रुपए आपके पास पड़े हैं, आप उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरे महीने और 10 रुपए डालते हैं, आपके पास 80 रुपए पड़े हैं, आप उसको और कहीं यूज कर सकते हैं, और 10 रुपए डालते हैं। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है वो आपके पास थोड़ा थोड़ा करके पड़ा रहता है, लेकिन लमसम के अंदर आप पूरा अमाउंट डाल देते हैं, तो इसके लिए लमसम के अंदर ज्यादा कॉर्पस बनता हुआ नजर आता है लॉन्ग टर्म पे। लेकिन अब एसआईपी के अंदर देखेंगे तो फायदा आपको यह मिलता है कि एसआईपी के अंदर जो एनएवी प्राइस है, कभी डाउन होती है कभी अप होती है, तो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाती है। लमसम में क्या होता है कि आप एक टाइम पे सारा अमाउंट पैसा उसमें अंदर डाल देते हैं और जो प्राइस उस टाइम पे है वही प्राइस पे आप पूरी चीज खरीद लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ कॉर्पस पड़ा हुआ है अभी 10 लाख 15 लाख या 5 लाख, आप लमसम कर सकते हैं, भूल सकते हैं, 10-20 साल तक पड़ा रहेगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप एसआईपी जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों लमसम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा डाउन हो गया, जैसे कोविड टाइम पे हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, मार्केट 4-5-6% तक डाउन गया था, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा लमसम करना है जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन जब कोविड टाइम में 30% मार्केट डाउन भी चला गया है, तो बहुत लोगों ने, मैंने देखा मेरे फ्रेंड लोगों ने तो पर्सनल लोन ले लेके उसमें पैसा डाल दिया, जो आपको मैं सलाह नहीं दूंगा करने की, बट वो एक टाइम होता है जब आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको रेगुलरली लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक एसआईपी के थ्रू ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लमसम आप करना चाहते हैं उसको रेगुलर इंटरवल पे करिए, तो वो एक एसआईपी ही समझा जाएगा। लेकिन लमसम आप कर रहे हैं 5-5 सालों पे अगर कुछ कुछ अमाउंट आप डाल रहे हैं तो उसको लमसम ही बोला जाएगा। तो यहां पे एसआईपी जो है सबसे बेस्ट है। एसआईपी अगर आपकी चल रही है कंटिन्यू उसके साथ चलते जाइए। यहां पे मैंने चीज आपको एक समझाने की कोशिश की कि अगर लमसम में और एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये वाला जो कैलकुलेटर है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो भी चीज यहां पर कैलकुलेट करनी है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छा और नया चीज सीखने को मिला होगा। दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे ये सारी चीज का डेटा इकट्ठा करने में और ये सारा कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फंड रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज के वीडियोस में ये चैनल पे लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और कई नए टॉपिक के साथ और कोई नई वीडियो के अंदर। तब तक स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय।